हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जापान में 1 जनवरी को 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसने फिर से मैसिव डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। सो फ्रेंड्स, जापान में आए दिन इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जापान के वेस्ट कोस्ट पर तेज अर्थक्वेक स्ट्रक कर गया, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बिल्डिंग्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। सो 1 जनवरी को देश के मेन आइलैंड में होनशु पर इशिकावा प्रिफेक्चर में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो कि इतना भयानक है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्रोबेबली ये जापान के वेस्ट कोस्ट पर सबसे बड़े भूकंप में से एक है, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग भी दी गई, जिसकी वजह से कुछ एरियाज में 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक समुद्री लहर पहुंची। अगली ही सुबह तक जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी JMA ने इशिकावा के नोटो पेनिनसुला में 146 छोटे भूकंपों को दर्ज किया, जिसमें से एक US जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने 6.2 मैग्नीट्यूड का मापा। सो इस भूकंप से 92 से ज्यादा लोगों की अब तक डेथ हो गई है और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, जापान दुनिया की सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन देशों में से एक है, क्योंकि ये 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है जो लगातार आपस में टकराते रहते हैं। सो हर साल देश में लगभग 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर भूकंप इतने हल्के होते हैं कि महसूस भी नहीं होते। जापान में मोस्टली बड़े भूकंप जैसे कि 2011 में तोको एरिया में आया था, जो कि 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। तो ये उन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे पैसिफिक प्लेट की वजह से होते हैं, जो दूसरे प्लेट के नीचे स्लाइड होता है। सिंस 2020 इशिकावा में 500 भूकंप हुए हैं। मई 2023 में USGS ने एक मैग्नीट्यूड 6.3 का भूकंप इस एरिया में दर्ज किया और इसने कई सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये उन भूकंपों से अलग मैकेनिज्म पर बेस्ड है जो जापान के ईस्टर्न साइड में होते रहते हैं। तो अब मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ कि जापान में इतने ज्यादा भूकंप आखिर क्यों आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए, जापान 4 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित है, पैसिफिक प्लेट, फिलिपीन सी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट्स लगातार आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, खास तौर पर पैसिफिक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे स्लाइड होना। सेकंड आता है रिंग ऑफ फायर। देखिए, जापान रिंग ऑफ फायर के हिस्से में आता है, जो पैसिफिक ओशन के किनारे पर एक वोल्केनिक और सीज़मिक एक्टिविटी के जोन को रेफर करता है। ये एरिया बहुत एक्टिव होता है और यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी अक्सर होते रहते हैं। फिर आता है सबडक्शन जोन। देखो, जापान के आसपास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे स्लाइड होता है, जो कि भूकंप और सुनामी की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। इसके अलावा फॉल्ट लाइंस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की जो लाइंस होती है, उस पर भूकंप की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो 1 जनवरी को इतना भयानक भूकंप आया जापान में, तो इसके आफ्टर शॉक्स हुए। इतने ज्यादा आफ्टर शॉक्स क्यों हुए? देखो, जो मेन मैग्नीट्यूड 7.6 भूकंप का ओरिजिन प्रोबेबली नोटो पेनिनसुला के नीचे एक 150 किलोमीटर लंबी फॉल्ट में था। ये कहना है एटेरो कैटो का, जो कि सेस्मोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के। इसी के साथ उनका क्या मानना है कि जो सोर्स एरिया है वो बहुत वाइड है। ये एक ऐसे तरीके का बड़ा फ्रैक्चर है जो एक स्लैब पत्थर को दूसरे पर चढ़ाता है, लेकिन उनका कहना है कि बड़े भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स आए, शायद वो प्लेट के अंदर के कई फॉल्ट्स के कारण आए हैं। सो रिसर्च यहाँ पे क्या बताती है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर के फ्लूड्स से इशिकावा में भूकंप भी आते हैं। जब ये फ्लूड्स क्रस्ट के अंदर ऊपर आता है, तो वो फॉल्ट जोन को कमजोर कर देता है और उससे स्लिप करवाता है, जिसकी वजह से मेन यहाँ पे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विश कि जापान इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।